Welcome students, today I will teach you new syllabus mathematics exercise 9b question 6. 200 gram of fertilizer is required for a plot of land that has an area of 8 meter square. Fine. The amount of fertilizer needed for a plot of land that has an area of 14 meter square. अगर आपके पास 200 ग्राम फर्टिलाइजर की हो और आपने फर्टिलाइजर आपके पास लैंड का एरिया कितना गिवन है 8 मीटर स्क्वायर तो आप बताएं कि 14 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगी आपको अब हमें जो फर्टिलाइजर पता है वो तो सिर्फ 8 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो आपके पास एरिया है उसके लिए आपको कितनी फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होगी ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप शॉप में जाएं और आप किसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करना चाह रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एक सिंगल चीज की प्राइस आपके पास क्या होती है व्हेन वी आर एबल टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ सिंगल थिंग देन वी आर एबल टू पे द मल्टीपल प्राइसेस ठीक है आपको तब पता चल सकेगा कि अगर आपने 10 या 20 जितनी भी चीजें लेनी है उनके आपको कितने अमाउंट परचेस करनी पे करनी पड़ेगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्टिलाइजर गिवन है और आपको एरिया गिवन है आपने पहले पर मिनट के हिसाब पर मीटर के हिसाब से बताना है कि पर मीटर में आपके पास कितने फर्टिलाइजर आपको रिक्वायर्ड होगी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर 1 मीटर स्क्वायर टोटल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दैट वी हैव इज 200 ग्राम एरिया आपके पास था 8 मीटर स्क्वायर When we divide the area 8 meter square divided by 200 तो हमारे पास आ गया कि 1 meter square के लिए हमें कितनी amount चाहिए होगी fertilizer की 26 gram अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो area हो किसी भी land का वो 1 meter हो तो आपके पास उसके लिए fertilizer कितनी होगी 25 gram चाहिए होगी Now in the first part of the question there is आपके पास अगर area हमारे पास कितना given है 14 meter square area हो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया था उसके लिए आपको 25 ग्राम फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड थी तो 1400 एरिया के 14 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आपके पास कितनी फर्टिलाइजर होगी जस्ट मल्टीप्लाई 14 बाय 25 क्योंकि अगर 1 के लिए 25 है तो 14 के लिए कैसे हमें पता चलेगा जब हम 25 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सो व्हेन वी हैव 14 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया देन 1 meter square required 25 gram. So to find our 14 meter area fertilizer, we multiply 25 by 14 and the required answer is 350 gram. Now move to the second part of the question. The area of land that can be fertilized by 450 gram of fertilizer. Agar aapke paas in the given, we have 450 gram of fertilizer तो पता है 450 ग्राम से आप कितने एरिया को फर्टिलाइज कर सकते हैं ठीक है पहले में हमारे पास एरिया था फर्टिलाइजर बताई थी अब फर्टिलाइजर और कह रहे हैं कि आप बता दें कि 450 ग्राम आपके पास फर्टिलाइजर हो तो आप इससे कितना एरिया फर्टिलाइज कर सकते हैं जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया था तो हमारे पास कितनी अमाउंट फर्टिलाइजर की रिक्वायर्ड होती थी कितनी यूज हो रही थी 25 ग्राम अब हमने बताना है कि कितने मीटर तक कितने एरिया तक ये फर्टिलाइज होगी तो 450 को आप डिवाइड कर दें 25 ग्राम से क्यों क्योंकि आपके पास 1 मीटर एरिया 25 ग्राम ले रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा टोटल कितना एरिया फर्टिलाइज कर सकते हैं So the total area that is fertilized by 450 gram of fertilizer is 18 meter square.